जय हिंद सभी को, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपडेटेड सिलेबस ऑफ फिजिक्स के बारे में कि एनडीए एग्जामिनेशन के लिए आपका सिलेबस क्या क्या होता है। तो इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो आप अपना सिलेबस पहचान सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आपको स्किप करनी है। दूसरा, यदि अभी तक आपने किसी कोर्स को फॉलो किया है या आप किसी कोर्स को फॉलो करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि भाई आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ ली हैं और क्या आपको कवर करनी है, क्या आपसे रह गया है। तो ये आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए 2022 के लिए पूरा एग्जामिनेशन सिलेबस है, जिसको आपको क्या है कवर करना है, जो यूपीएससी अपनी तरफ से सिलेबस को क्या करता है, इशू करता है। ओके, तो इस सिलेबस के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं वो सिलेबस दे देता हूँ जो मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये आपके फिजिक्स का सिलेबस सीट है और यदि आप एनडीए एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को क्या है आपको कवर करना पड़ेगा। चलिए एक बार बात कर लेते हैं। पहला चैप्टर है इसमें आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, मैं इनके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको बता देता हूँ कि कितना वेटेज वगैरह होता है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट, यहाँ से नॉर्मली एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्टिक्स, उसके बाद आ जाता है आपका 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। और उसके बाद मैं बात करूँ आपका ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से आपका एक क्वेश्चन। ओके, मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास से एक क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और सेमीकंडक्टर, 3 से 4 क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से एक क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से। मतलब ये क्या है, तीनों में वेरिएबल करते रहते हैं। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें आपका इलास्टिसिटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम, एक क्वेश्चन यहाँ से। हीट टेम्परेचर स्केल थर्मोडाइनमिक्स, यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ओके, हीट टेम्परेचर एंड थर्मोडाइनमिक्स पे। वर्क पावर एंड एनर्जी, यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। वेव साउंड, 1 से 2 क्वेश्चन। न्यूक्लियर फिजिक्स, 1 क्वेश्चन। मिसलिनियस आपका 1 क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस है जो आपको क्या करना है, कवर करना है। चलो एक बार मैं आपको यूपीएससी के द्वारा जो प्रोवाइडेड सिलेबस है वहां पे लेके चलता हूँ कि यूपीएससी फिजिक्स में आपसे क्या क्या चाहता है, क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। चलिए, तो यूपीएससी थोड़ा सा इसको क्या है, थोड़ा और मतलब खोल देता है कि भाई किस किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है। जैसे इन्होंने लिखा है सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको मैटर के बारे में पूरा पता होना चाहिए, यानी कि मैटर क्या है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसमें आपका सब कुछ आ जाता है। मास हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर, बैरोमीटर। यानी कि मैं अपने सिलेबस पे आपको लेके चलूं तो ये बेसिकली इन 2 चैप्टर्स की बात कर रहा है, 11 और 12। ये बेसिकली क्या होती है, मैटर की प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद जो बताता है, दैट इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सलरेशन हो गया, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन हो गया, फोर्स एंड मोमेंटम, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, ग्रेविटेशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी, इफेक्ट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, साउंड वेव, प्रोपोगेशन, सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन, स्फेरिकल मिरर एंड दी लेंस एंड दी ह्यूमन आइज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपके 2 से 3 चैप्टर को इसने मेंशन कर दिया। भाई एक तो इसने ऑप्टिक्स को मेंशन कर दिया, क्योंकि ऑप्टिक्स से देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सिलेबस को समझने से अच्छा है कि रादर देन आप इसको समझ लीजिए, वॉट एवर आई हैव प्रोवाइडेड यू, तो यहाँ से आपको एक और विजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और मैं इसको अच्छे तरीके से मेंशन कर देता हूँ कि ऑप्टिक्स जो होता है 4 से 5 नंबर का होता है, बाकी जो आ जाता है आपका फिर इसमें आ जाता है आपका पूरा काइनेमेटिक्स। ओके, जिसमें आपका मोशन हो गया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब किस में आ जाता है, आपका मोशन में ही आ जाता है। ओके, तो यहाँ से भी क्या है, अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आपका वर्क एंड पावर एनर्जी, ये सब आपका किस में आ जाता है, काइनेटिक्स, यानी कि मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन, एनर्जी, ये सब क्या आ जाता है आपका, इसी से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हीट साउंड वाला जो होता है, वेव एंड साउंड काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं। हीट एंड टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्या है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं।
उसके बाद आ जाता है आपका स्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर नॉन कंडक्टर, ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स, हीटिंग एंड लाइटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, यूज ऑफ एक्सरे, जनरल प्रिंसिपल इन दी वर्किंग ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो बेसिकली यहां तक ये आपका हो जाता है, आपको ये वाला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड दी सेमीकंडक्टर, तो ये यहाँ पे बेसिकली इनके बारे में बात करता है। फिर उसके बाद कहता है कि जितने भी यहाँ पे इसने डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की है, इनके जनरल प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखना कि आपके एग्जामिनेशन में एक से दो क्वेश्चन ऐसा आएगा जो वर्किंग पे होता है। आप देख लो, क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द, साफ साफ लिखा हुआ है, देख लो सेफ्टी फ्यूज किस पे काम करता है, आया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, लाइटनिंग कंडक्टर किस पे काम करता है, मैरिनर्स कंपास किस पे काम करता है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये इस बार का एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, पेरिस्कोप के बारे में पूछा गया है, टेलीफोन के बारे में, टेलीग्राफ के बारे में, ग्रामोफोन के बारे में, थर्मोफ्लास्क के बारे में, प्रेशर कुकर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाइड्रोमीटर से क्वेश्चन आ चुका है, बैलून पंप यहाँ से क्वेश्चन, लीवर, सिफॉन, पुलीज एंड पेंडुलम। तो बेसिकली इनका आपको क्या पता होना चाहिए, इनका प्रिंसिपल्स या इनकी वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो लास्ट वाला पोर्शन है, ये सारे चैप्टर्स को क्या करता है, इंक्लूड करता है, यानी कि इन सारे चैप्टर्स में फिजिक्स के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग किस पे बेस्ड होती है। ओके, जैसे आपके ऑप्टिक्स में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, प्लेन मिरर हो गया, और टेरिस्कोप, टेलीस्कोप हो गया, पेरिस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, कैलाइडोस्कोप हो गया, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर में आपके ट्रांजिस्टर हो गया जैसे, ओके, ट्रांजिस्टर के बारे में पूछ लेता है, मैग्नेटिज्म में आपका मैग्नेटिक निडल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में आपके कंडक्टर नॉन कंडक्टर, ये सब जो डिवाइस होते हैं ये पूछ लेता है, रियोस्टेट पूछ लेता है। उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर, यहाँ पे आपका कैलोरीमीटर, ओके, कैलोरीमीटर के बाद हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइटोमीटर, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने करवाता भी हूँ मैं इनको स्पेशली। तो यदि आप सिलेबस को यहाँ से देखो ना, तो बड़ा मेंशन कर रखा है कि आपको इन चीजों पे बड़ा फोकस करना है। ध्यान रखना, ये जो जितनी चीजें इसने मेंशन कर रखी है ना, इनको तो कम से कम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इनसे कभी भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। नेचुरल आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये आपका मैग्नेटिज्म का हो गया। तो बेसिकली जो सिलेबस को आप देखो, तो सिलेबस ने सारा कुछ क्या है, मेंशन कर रखा है कि इन चीजों को आपको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, फिलहाल इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए ये आपके पूरे फिजिक्स का सिलेबस है, जो आप मेरे किसी भी कोर्स से क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। रिसेंटली वी आर कमिंग विद अ न्यू कोर्स आल्सो, आप उसमें भी इन सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। उसके लिए आप अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी पे आप, ठीक है, मेरे प्रोफाइल पे मेरे कोर्स को सर्च कर सकते हो। उसके अलावा उसको एनरोल करने के लिए यू कैन यूज द कोड SS30। ओके, बाकी सिलेबस से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए, अपने साथियों को भी इसको क्या है, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी ही, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।